की हसरत हमें पर गुलामी का आलम गंवारा नहीं। पानीदार बेपानी हुआ ना कभी, दर्द में मर्द हिम्मत को हारा नहीं। जिला होशियारपुर प्रांत पंजाब में भीम सिंह बागी का बोल बाला रहा। वह तो वो नई सवंतीस में पकड़ा गया, बंद पिंजर में बैरी से नाहर कहा। पंजाब प्रांत का रहने वाला होशियारपुर गांव का भीम सिंह, अंग्रेजी जमाना था, वो अंग्रेजों के सामने क्रांतिकारी जवान ऐलान करके कहा था क्या, और तर्ज यहां पर एक गजल है कि जिसके सर पे हाथ हर दम गौस समदानी कहे। जिसके सर पे हाथ हर दम गौस समदानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे। लेकिन भीम सिंह कहते हैं कि मोड़ दे फौलाद को जो है किसी में दम नहीं। मोड़ दे फौलाद को जो है किसी में दम नहीं। मोड़ दे फौलाद को जो है किसी में दम नहीं। अरे मोड़ दे फौलाद को जो है किसी में दम नहीं, और जंग में फिर देख लेना हम किसी से कम नहीं। जंग में फिर देख लेना हम किसी से कम नहीं। जंग में फिर देख लेना हम किसी से कम नहीं। माफी न मांग सकते कभी क्लेश के लिए, माफी न मांग सकते कभी क्लेश के लिए। सौ बार जिएंगे मरेंगे देश के लिए। अंग्रेज बोले कल तो होने वाली है फांसी, तमन्ना क्या है बोलो, तमन्ना क्या है बोलो, ऐ भारत के तू बासी। बोले है भीम सिंह नारी की याद सताई, गर्भवती निर्मला सजन से मिलने है आई। कहने लगे तब भीम रहे प्यार सलामत, रखना संभाल कर पिए हमारी अमानत। जन्मे अगर बेटी तो उसे डोली चढ़ाना, जन्मे अगर बेटा तो उसे बागी बनाना। भीम सिंह की फांसी होने वाली थी, कैद में बंद थे। अंग्रेजों ने कहा कोई तमन्ना है तो बता दे। कहते हैं कि मैं अपनी औरत से मिलना चाहता हूँ। औरत आई तो कहते हैं कि तेरे लिए इतना ही संदेश है, अगर बेटी बने उसकी शादी करके उसके घर विदा कर देना। अगर बेटी पैदा हो तेरे तो उस बेटा पैदा हो उस बेटे को बागी बनाना और देश के लिए लड़ाना उसे। इतना कहके अलविदा हो गए फांसी से, अलविदा हो गए फांसी से नाता जोड़कर। निर्मला जाकर निर्मला जा दूर बस गई गांव अपना छोड़कर। गम तिरोहित हो गया चेहरा जब देखी लाल का, वीर सिंह विधवा का बालक जब हुआ 10 साल का। कहलवारी से एक दिन एक छात्र ताना मार दिया, सोए शेर बच्चे को खरगोश जागृत कर दिया। छोड़कर स्कूल लौटा घर लिए मन में भरम, क्या असली है तो है बता दो माँ तेरी तुझको कसम। वीर सिंह की औरत निर्मला गांव छोड़ के कहीं दूर बसती है, और उसके एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे को धीरे धीरे पालने लगती है अपने पति का अरमान समझ करके। और 10 साल का जब बच्चा हुआ, गांव के बच्चे उसे ताना देते हैं कि तू तो लावारिस है, तेरा कोई नहीं। इसी समय तर्ज बदल जाती है। तर्ज बा के आंगन में फूल फूल गे नवाए नदी, बाजले बधैया दुआरे पे। फूल फूला
बेटा जो है माँ से कह रहा कि असिया तोहार बहे असिया तोहार बहे रतिया ए माई पूछे लाल ललनवा जननी से ऐसे बेटा कह रहा है कि माँ लोग मुझे लवारिस कहते हैं, क्या बात है, और देखता हूं कि तू अकेले में रात रात में रोती है, क्या बात है। तो माँ बतलाती है कि बेटा जननी जन्म भूमि जीवन जन्नत से प्यारी उतारी माँ बेटे की आरती। माँ कहती है गिर गया पर्दा भरम का वीरता भी जग गई मन मलय विप्लव के बन में आग जैसे लग गई। माँ कहती कि बेटा तेरे पिता को अंग्रेजों ने फांसी दिया और तेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि मेरे बेटे को बागी बनाना और तेरे पिता तू लवारिस नहीं तेरे पिता इस देश के एक देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्रांति जगाया और फांसी पर झुला दिए गए। तो गिर गया पर्दा भरम का वीरता भी जग गई मन मलय विप्लव के बन में आग जैसे लग गई। कर प्रतिज्ञा पांव छूकर माता से बेटा कहा मैं मरूंगा देश खातिर है मेरा वादा रहा। भगत सिंह की भक्ति से हथियार बालक पा गया दुश्मनों के सर शिखर पर वन के बादल छा गया। लड़का जो है माँ से वादा करता है कि अपने पिता के ऊपर हुए जुल्म का बदला लूंगा और अंग्रेजों के इसका जवाब दूंगा। लेकिन भाव आए माँ कहती है अरे अधिकार यापन मंगत रही हा जनी सुतिहा जवनवा जगत रही हा लड़का प्रण करके निकलता है और करता क्या है कि मुंखली बेचत कैले काम भारी बंगले पद हल जज विस्मिथ के मारी। अरे इनकलाब बोली त दुश्मन के गोली जगत रही हा जन सुतिहा जवनवा जगत रही हा। जाके अंग्रेज विस्मित के बंगले पर मूंगफली बेचते बेचते बहाना बना करके और पहुंच जाता है बंगले में और विस्मित को मारा जो फांसी छुला रहा था उसके पिता को बदला लिया। लेकिन तरज बदल गई तरज बात कि रतिया होले गरमिया ना डोले पावाना के बाप का बदला भागल जब पीछा खैले पापी अंग्रेजी दुश्मनवाना। आजाद खान का घर था सुंदर बालक छिपा उसी के अंदर खोज के हार बैरी बच गई ले पर विस्मित को मार के लड़का भगा और पुलिस तलाश करने लगी। लेकिन अंग्रेजी सिपाही परेशान हो जाते हैं मिला नहीं लड़का। और इधर हुआ क्या कि तर्ज बदल गई तर्ज जो है बा कई जिला से चलल बा कहवा का खजर चुनावा कहवा का पान कहवा कटी कूली
कहवा कटी कुली लीला रवा मारे हो जान कहवा कटी कुली लीला रवा मारे हो जान कहवा कटी कुली लीला रवा मारे हो जान कहवा कटी कुली छपरा कखायर चुनावा पटना कपान हुगुली कटी रवा मारे हो जान हम कटी सरकारी इनाम छापल रुपया हजार मुह दौलतिया खान कर मन में विचार मुह दौलतिया अरे फसल शिकार मोर फूलल कदीरिया आ पत्नी मराना सेब तवल जिकरिया कहीं मराना माना पतिया हमार मुह दौलतिया करल धरतिया पुकार मुह दौलतिया एक खान नाम का सती जो कि उसी गांव का था कहा कि उस लड़के पर 1000 रुपये का इनाम है। अपनी पत्नी से कहा कि मैं उसे पकड़वा करके 1000 रुपया इनाम लूंगा अंग्रेजों से। वो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा मत करना, हम जिस देश की मिट्टी में पले हैं उस मिट्टी से गद्दारी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना और इधर ये लड़का ऐलान कर दिया अपने देश में, अरे कुर्बानी 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 चाहिए धरा को अब कुर्बानी चाहिए धरा को अब कुर्बानी चाहिए धरा को अब कुर्बानी अरे शरण में आए को मारा नहीं जाता है, रक्षा करना हर धर्म बताता है कुर्बानी चाहिए धारा को अब कुर्बानी चाहिए धारा को अब कुर्बानी चाहिए धारा को अब कुर्बानी। तब तक वो लड़का खान के घर में ही आके छिपता है पुलिस से बचने के लिए। तो कहा कि अब तो और अच्छा हुआ, अब इनाम बड़े आनंद से मिल जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी बतलाती है कि ऐसा मत करना, ये लड़का अपने देश की सेवा के लिए निकला है, इसे पकड़वाना मत, रुपए के लिए अपने देश से गद्दारी मत करो। लेकिन ये बात हो रही थी, लड़का छिपे सुन रहा था। अरे सुन लिया बात वीर सिंह निज कान से, कहने लगा कर जोर कहने लगा कर जोर कर तब खान से कुर्बानी कुर्बानी वो लड़का सुन लिया और खान से कहा कि रे चाचा क्या सोच रहे हो, कहां दौलत की दुनिया है, दया ईमान से बढ़कर, जिसे जन्नत भी ना पाए वतन है जान से बढ़कर, मिले आजादी धन दौलत तो मुझको बेच दो चाचा, कसम कोई न जग में है कसम कुरान से बढ़कर। चाचा अगर इतनी सी दौलत से आपकी जिंदगी बीत जाए तो एक बात याद कर लो, मुझे बेच के अपनी जिंदगी काट लो, वरना याद रखना कहीं दौलत की दुनिया है दया ईमान से बढ़कर, जिसे जन्नत भी ना पाए वतन है जान से बढ़कर। लड़के की बात सुनके हृदय बदल जाता है खान का और कहता है आए हे अरे कहे खान पहचान रतन का पानी कर बर कुर्बानी देदा देदा माँ की बचवा भैल नदानी कर बर कुर्बानी देदा माँ की बचवा भैल नदानी कर बर कुर्बानी
अरे नाम के हैं हम आजाद लेकिन गुलाम जीवन जाना हो, कूद गए क्रांति की आग में पहन के सरिया बाना हो। अरे करिया दुल्हा खोज गोरा की रानी करब कुर्बानी, तोड़ब ऐठन बबुई के चढ़ानी करब कुर्बानी। अरे बार बार झकझोर रहा दिल, खान सोच रहा मन में बच्चे की बात सुन के कि हमारे जीवन के अधिकार देश धर्म संग धोखा कैली, कही जमाना हमें गद्दार अब मुखबिरी न होई हमसे। हम पापी धरती का भार माफ करेगा खुदा न हमको, सारा जीवन भयल बेकार देव जान बन के बागी, देशवा का करब उपकार इतने में अंग्रेज आ गए। खान से पूछन लगे अधिकार आजाद हैं हम आजाद रहेंगे, झट से खान किया तैयार मार गिराए तीन जने को। सोच रहा था खान तब तक अंग्रेजी सिपाही घेर लेते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम, आवाज देते हैं और खान कि आजाद हैं हम आजाद होंगे। खान हुए तुरंत तैयार मार गिराए तीन जने को, लड़ गए अंग्रेजों के सिपाही से और कहते हैं कि आजाद हैं हम आजाद रहेंगे और हम इस मिट्टी में पले हैं तो इस मिट्टी के लिए जान दे देंगे, मेरी यही परिचय है। हाय अरे जमन सुख मिलल नहीं पाक दौलतिया, और जमन सुख मिलल नहीं बेच के ईमान, और है सुख मिलाया ज देश भक्ति में घेरे अंग्रेजवा घेराई गैल खान, पिठिया में गोलिया लगल धोखे से साध के निशाना मार दिया कपतान। अरे देना क्षमा दान भारत माता अब हमके, त्याग दिए प्रण खान कर मुसुकान, त्याग दिए जान खान भर मुसुकान। अरे भवर गिरफ्तार भैल वीर सिंह बबुआ, मारे अंग्रेजवा हो कोड़ावा के तान, मारे अंग्रेजवा हो कोड़ावा के तान। बोले वीर सिंह परवाह नहीं हमके, धन्य भाग देशवा पहो बकुरबान, माता निर्मला जब मिल गईली जेलवा में, फांसी का सजैया सुनौल बेईमान। निर्मला कह कि नाहक बेटवा जन्मला, अरे नाहक मोरे दुधावा का कैला अपमान। माँ जाती है वीर सिंह से मिलने के लिए, वो लड़का पकड़ जाता है, उसका नाम था वीर सिंह। अब माँ जाती है मिलने के लिए तो माँ को देख के रो पड़ते हैं, तो माँ कहती है अरे बेटा देश के लिए विदा होने में आंसू आ रहे हैं, धन धिक्कार है तुम्हें, तुम्हें हंस के जाना चाहिए। तो कह रहा है माँ से कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो बोले अरे बोले वीर सिंह लागल हाथ हाथ करी, हम के मारा मर्त में हनवा मतारी हमारी, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं पकड़ा गया हूं या फांसी है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जीवन है तू नहीं मैं रोता, नहीं दर्द के मारे गुलाम रह गई नी माता, छोड़ी के करे सहारे यही से बरसत बा नयनवा मतारी हमारी। अरे माँ आजादी के लिए लड़ता रहा और अपनी माँ को गुलाम छोड़ के जा रहा हूं और धरती माँ को आजाद नहीं कराया इसलिए रो रहा हूं। तो काम अधूरा पूरा करने फिर भारत में आई बे, काट गुलामी के बंधन आजादी एक दिन लई बे मरबे फिर दसवा करनवा मतारी हमारी।
कहा कि मां अधूरा काम रह गया, देश को आजाद नहीं करा पाया, लेकिन कोई गम नहीं है, फिर आऊंगा और तेरी ही गोद में जन्म लूंगा। अब फिर से तुम्हें अगर गुलाम रहा देश तो आजादी लाऊंगा और फिर से देश के लिए लड़ूंगा। तो झूल गया फांसी पर हंसकर, टूट गया सब नाता, अचरा पावन कैला बेटा हरषित भइली माता, भइला स्वतंत्र हिंदुस्तान मातारी हमारी। गुरु राम लाल जी वतन प्राण से प्यारा, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बच्चन की तोड़ सहारा, उतारी माँ बेटे की आरती, राम दो कभी रामा की लगी प्रेम फुलवारी, उतारी माँ बेटे की आरती। उतारी माँ बेटे की आरती।